कालचंद सराब जी ने कहा कि रूम नंबर 23 SMS में जो खुला है वहाँ पर विधायक के अनुशासन या चिकित्सा मंत्री के अनुशासन से इलाज होता है, तो सिर पर सिर्फ इलाज होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो विधायक के रेफरेंस से जाते हैं या चिकित्सा मंत्री के रेफरेंस से जाते हैं। आज तक चिकित्सा मंत्री ये बता दें मुझे कि एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता का या कांग्रेस के विधायक के द्वारा इन्होंने किसी का इलाज किया हो। क्योंकि मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का इनका बयान देना, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ये मंत्री हैं, ये जनता के मंत्री नहीं हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की सरकार आम जनता की सरकार नहीं है, ये सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं की सरकार है। शासन था कांग्रेस का, तब भी ये व्यवस्था थी, आज भी ये व्यवस्था है। जब कोई व्यक्ति किसी को कोई समस्या होती है तो निश्चित रूप से अपने जनप्रतिनिधि के पास जाता है। और हम लोगों की जिम्मेदारी भी है कि अपने क्षेत्र से आए हुए व्यक्ति को उचित इलाज की या किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसके निदान की हम लोग व्यवस्था करें। इसके लिए जो भी सरकार आती है उस सरकार के तौर पर 200 के 200 विधायकों की व्यवस्था होती है। इसको यूँ कहना कि भाजपा के विधायकों के लिए व्यवस्था है, ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है, मैं इसका खंडन करूँ। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते हैं SMS में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को VIP सुविधा मिलेगी, उनको VIP प्रोटोकॉल मिलेगा और प्रदेश की जनता को या अन्य लोगों को नहीं मिलेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस प्रदेश में या देश में पहली बार इस तरह की व्यवस्था देखने को मिली है। 70 साल के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल जमुआ रामगढ़ में मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया, चिकित्सा मंत्री ने, कि VIP ट्रीटमेंट जो है 23 नंबर में मिल जाएगा, आप वहां पहुंचिए। अब उसमें से जो है कुछ बात जो है सामने वो यू भी आई अखबार के माध्यम से कि जिक्र जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए किया गया है, वहीं मंत्री जी डिनाई कर रहे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों के बीच में सबसे खास बात जो ये है कि क्या वाकई स्वास्थ्य में भी राजनीति घुस गई है। कमल जी, आपका रुख करना चाहूँगा। देखिए, ये बात बहुत हद तक अब क्लियर होती जा रही है। और अभी जो एक स्टेटमेंट आया, मैं नाम भूल गया उनका, बंसल जी, उन्होंने साफ कर दिया कि 200 के 200 विधायक के लिए, यानी कि 200 विधायक, अब चलिए मंत्री मतलब पार्टी मंत्री से निकल के 200 विधायक पे बात आ गई, इतना मैटर खुल गया है। यानी 200 विधायक अगर रिकमेंड करें 23 नंबर कमरे में, तब तो उसका काम हो जाएगा। अब विधायक के पास किसका लिंकेज होगा? वही होगा जो उनके चमचे होंगे या उनका काम करते होंगे या उनका समर्थन करते होंगे, अन्यथा तो आम जनता तो वही लाइन में खड़ी खड़ी धक्के खाएगी। कमल जी, कार्यकर्ता चमचा नहीं होता है सर, मैंने कार्यकर्ता आस्था से बंधा होता है। आपने 5 बार चमचों का उल्लेख कर दिया है सर। हर राजनीतिक दल के पास कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता आस्था से बंधा होता सर, है। मैंने अभी एक नेता बनता है, 1000 कार्यकर्ता जब प्रयास करता जब जाके एक नेता सक्सेस, काफी कड़ी मेहनत होती है, वो भी एक प्रकार की। लेकिन कमल जी, आपका जवाब चाहूंगा, बर्बाद हो जाते हैं। कमल जी, उनको चमचा या चाटुकार शब्दों से अगर उनका उच्चारण करेंगे तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है, पार्टी के लिए समान होता है। लेकिन फिर भी आप राजनीति में क्या परिवार बनाने के लिए, परिवार की बात नहीं कर रहा हूं। आप राजनीति के अंदर क्या पैसा कमाने के लिए आते हैं? आप अपने आप को खपाने के लिए नहीं आते? 1000 कार्यकर्ता और कहते हैं नाम लेते हैं समाज सेवा, किसी मुकाम पे पहुंचता है तो मेरा ये कहना है कि क्या मुकाम, क्या मुकाम, हमें घर में कम कार्यकर्ताओं के दम पे है। अगर राजस्थान में सरकार कार्यकर्ता ने बनाई है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। कार्यकर्ता चाटुकार नहीं हो सकता, कार्यकर्ता नहीं बन, कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता बोलिए, चाटुकार चापलूस ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल मत करिए। भाषा की गरिमा सभी बनाए रखे, मेरी गुजारिश है भाषा की गरिमा बनाए रखें। लेकिन हमें गर्व है कम कार्यकर्ताओं के दम पे। मुद्दा यही है कि क्या वाकई में कार्यकर्ताओं के दम पे नहीं होते? कमल जी, कार्यकर्ता बीमार, जनता के दम पे नहीं हो? कमल जी, आपका जवाब अभी चाहूंगा। कार्यकर्ता आपके भी है, आपको क्या लगता है क्या सियासत स्वास्थ्य पर होने लगी है? कमल जी, कोई बात नहीं है। देखिए, ये सारे लोग जो लड़ रहे हैं, ये सारे लोग लड़ रहे हैं, देखो शब्दों के ऊपर मैंने आक्षेप लगाया, सारे लोग लड़ रहे हैं शब्दों में, ये कहा है आम जनता है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कार्यकर्ता चाटुकार चमचे, अब आपके पास जो है वो आप रख लीजिए, जो नहीं है मत रखिए, अलग अलग के पास तो जो है सर, हम जो है वो रख लीजिए। हम सारे हिंदुस्तानी, सारे राजस्थानी है, सारे हिंदुस्तानी और सारे राजस्थानी है। आपने फिर इसमें बाइफर्केशन करने की कहां जरूरत पड़ गई कि कार्यकर्ता थोड़ा सा आपको वोटों के अंदर लाला के देखिए, वो वोटर्स को, और वो करते हैं सर, ये गलत है।
ये आपका आम जनता के लिए सरकार बनती है, रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा हर आदमी को उपलब्ध कराई जाए, ना कि कार्यकर्ता को। सत्ता को पाने के लिए आप लोगों को कोई लाभ घनश्याम जी, घनश्याम जी आपके वक्त में ये कमरा था, आपके वक्त में ये कमरा था, आपने भी ध्यान नहीं दिया, अब अचानक से आपको ध्यान कहां से आया? उस समय आप विधायक थे, हमारे वक्त ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज अभी गलत कह रहे थे, ये एक लंबी परंपरा हो चुकी है। 23 नंबर मेरी बात सुनिए, कालीचरण जी कह रहे थे कि विधायक लेटर पैड पर लिखेगा, सुनिए आप, सुनिए कमल जी, विधायक लेटर पैड पर लिखेगा तो विधायक कौन सा लिखेगा? भारतीय जनता पार्टी का। नहीं नहीं, कांग्रेस का लिखेगा, सुनिए आप, कांग्रेस का लिखेगा, मैं कांग्रेस का विधायक हूँ ना, तीन साल से हमने तो कोई लिखा नहीं भाई। आपको याद नहीं थी, जानकारी नहीं थी? अरे जानकारी कैसे नहीं है हमको, आपको जानकारी, आप सुविधा का पूरा लाभ ले रहे हैं, आप सुविधा का पूरा लाभ ले रहे हैं। हमने हमने ये नहीं कहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये इसको खोला है, सिर्फ उनका इलाज होगा और भगवान साहब वो सब बीमार हो जाए, उनका वीआईपी इलाज कराते रहो। अशोक जी गहलोत की सरकार में भी था, मैं आज खोला नहीं गया है, मैं आज इसको देखिए, मेरी बात सुनिए, पुरानी व्यवस्था है कि नहीं है? पुरानी व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था पर ऐसे नहीं थी। आप सही कह रहे हो, आप दोनों पार्टी के कार्यकर्ता फायदा उठाते हैं, जनता को जनता करे और आप एक कार्यकर्ता कभी जनता तो कभी बोला ही नहीं कहा कि हम कार्यकर्ताओं में 23 नंबर कमरा है। एक मिनट, एक मिनट, जनता के प्रतिनिधि, ये बात तय हो गई, अब ये बात तय हो गई, ये तो नहीं हटाएंगे, सुनिए हम कह रहे नहीं हटाएंगे, सुनिए एक मिनट रुक, चलिए ये तो नहीं, मुकेश जी आप कह रहे कमरा नहीं हटाएंगे, ठीक है मान लेते कमरा मत हटाएंगे, लेकिन सुनिए सुनिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रदेश भर में चिकित्सा व्यवस्थाएं कैसी हैं आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कई प्रस्तावें जान देती हैं हॉस्पिटल के बाहर, वो भी आपको अंदाजा होगा, रोज आप गलत होता है ऐसा, ठीक है, अगर कई प्रस्तावों अब ऐसे में क्या, ऐसे 23 नंबर की मिसाल ले लीजिए, आप 23 नंबर की मिसाल लीजिए, ऐसे कमरे के बाहर भी बनेंगे, देश भर में बनेंगे ऐसे कमरे, जनता की सुनी जाती है, देश भर में क्या ऐसे कमरे बनेंगे जहां पर व्यवस्थाएं होंगी इस प्रकार की? कांग्रेस के राज में भी होता था, मैं वही बात कह रहा हूँ, मुकेश जी ने जो किया वो कोई कर नहीं सकता, मुकेश जी आप लोगों ने इनका, मुकेश जी बात मत घुमाइए, कांग्रेस के राज में हुआ उनको सबक मिल गया, अब आप लोगों का राज है, आप बताइए प्रदेश भर में क्या इस प्रकार से ऐसे अच्छे कमरे, हम अच्छा कमरा मान रहे हैं इसको, ठीक है, ऐसे अच्छे कमरे प्रदेश भर में होंगे जहां पर आमजन जा सके, गांव गांव तहसील वाइज पे ऐसे कमरे बनाइए, 23 नंबर जैसे कमरे, नहीं नहीं, कार्यकर्ता तो आपके सब जगह पर है, सब जगह है कार्यकर्ता, मानते हो ना इस बात को, तो क्या सब जगह पर होंगे? आप जो बात है उसको फिर वापस आप घुमा रहे हो, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे जिला मुख्यालय पे ऐसी केवल एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के लिए कार्यकर्ताओं के लिए हम ये सुविधा उपलब्ध कराएं, कुल मिला के जयपुर एक बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर जो गाँव ग्रामीण परिवेश से जो आदमी आता है वो ये समझ ही नहीं पाता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जनाब यहाँ पहुंचते पहुंचते जान भी चली जाती है, पर मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे चिकित्सा मंत्री ने जनता के बीच में इन सुविधाओं के बारे में जानकारी दी, मुझे गर्व है, मुझे इसमें शर्म नहीं है। तीन साल कहां थे मंत्री जी थे आपके पास? देखो वो धन्यवाद के पात्र हैं, वो सामने जो मामला लिया है धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने जनता को ऐसा कमरा एक सुविधा और करवाइए, मुकेश जी एक गुजारिश और है, उन्होंने जिक्र कर दिया तो ऐसे एक कमरे की व्यवस्था सब जगह करवा दीजिए प्रदेश भर में, क्योंकि सब आपका प्रस्ताव आपने ये प्रस्ताव रखा है मंत्री जी के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे, सरकार को अपना निर्णय लेना है बिल्कुल, और विधायक महोदय से मैं निवेदन करूंगा, सबसे बढ़िया बात विधानसभा के पटल पर भी आप ये बात रखिए, अगर ऐसे कमरे आप हमारे कांग्रेस के विधायक नहीं आएंगे अभी तक करवाना नहीं, पता नहीं वो उस कमरे से जिंदा आवे कि नहीं आवे, आपको पता नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कमरा है, विधानसभा में बजट सत्र भी चल रहा है उसमें किस प्रकार से कौन से मुद्दे उठते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन बात स्वास्थ्य की चल रही है, स्वास्थ्य पर और जिक्र होगा, क्या वाकई में मन क्या है, आखिर मन में नियत क्या है, क्या वाकई में ऐसी व्यवस्थाएं प्रदेश भर में करने की नियत है या फिर ये महज बयान था जो जुबान से फिसल गया, लौटेंगे तो बातचीत करेंगे, छोटा ब्रेक लेते हैं।